Good morning classes, I am your science teacher Shreya. This is video number 13, question number 4, short answer questions. Question number 1st, what do you mean by nutrients? Class, open the page number 10. First paragraph ki second line, the food we eat contains various chemical constituents in it called nutrients. ये आपका फर्स्ट आंसर है. ओके क्लास. क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड? ओपन द पेज नंबर 10. कंपोनेंट्स ऑफ फूड, इस हेडिंग की जो फर्स्ट लाइन है, द फूड वी ईट मे बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कंपोनेंट्स. सब आप लोग नाम दे सकते हैं ना. ये देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, यही नेम्स आपको कंपोनेंट्स के आगे लिखना है. ओके, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन. व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट? क्वेश्चन नंबर 3. ये आंसर आप लोग को अपनी नोटबुक में लिखना पड़ेगा, इसलिए ओपन कर लीजिए बच्चों. क्वेश्चन नंबर 3. अ डाइट कंसिस्टिंग ऑफ अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एंड प्रोवाइडिंग adequate amounts of the nutrients necessary for good health is called balanced diet. Question number 4. What are the main functions of proteins? Open the page number 14. यहाँ पर जो heading है, quick recap. इसमें कि last से fourth line 1, 2, 3, 4. आप देख सकते हैं. Proteins are necessary for our growth, रिपेयर एज वेल एज रेगुलेट्स वेरियस बॉडी फंक्शन. यहाँ से लेके यहाँ तक आपका फोर्थ आंसर है. ओके क्लास. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाई आर कार्बोहाइड्रेट्स इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी? ओपन द पेज नंबर 10. कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी टू आवर बॉडी. ये एक लाइन का आपका फिफ्थ आंसर है. ओके बच्चों. क्वेश्चन नंबर 6. विच डिजीज आर कॉज ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ अ बैलेंस्ड डाइट? डिफिशियंसी डिजीज, इसका जो सेकंड पैराग्राफ है, अ डिजीज दैट इज कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स इन आवर डाइट इज कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज. ये सिस्ट का आंसर है. ओके बच्चों. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट आर द फैट सोल्यूबल विटामिन्स एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स? ओपन द पेज नंबर 11. विटामिन्स, इस पैराग्राफ के लास्ट लाइन के ऊपर देखिए बच्चों. विटामिन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू दोज विच आर सोल्यूबल इन वाटर एंड those which are soluble in fats. Fat soluble vitamins आपको ऐसे लिखना है जैसे कि लिखा हुआ है. ये फर्स्ट डाल के उसके आगे आपको लिखना है A, D, E and K vitamins. Second, water soluble vitamins, B and C vitamins. Okay, ये रहा आपका सेवेंथ आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. हाउ इज वाटर इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी? गिव 3 पॉइंट्स. ओपन द पेज नंबर 12. वाटर, वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस इन अवर बॉडी. अबाउट 70% ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर. वाटर इज नीडेड बाय अवर बॉडी टू परफॉर्म मेनी वाइटल फंक्शंस, सम ऑफ देम आर. ये देखिए फर्स्ट हेडिंग, इट ट्रांसपोर्ट्स substance and nutrients inside our body. Second, water regulates the temperature of our body by sweating. Third is, it helps our body to absorb nutrients from the food we eat. यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ पूरा यहाँ तक, ठीक है. ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है. क्वेश्चन नंबर ई, इट मीन्स 5th लॉन्ग आंसर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1st,
What are deficiency disease? Open the page number 13. Deficiency disease. ये दोनों पैराग्राफ आपका आंसर है. वी नीड से लेके डिफिशियंसी डिजीज तक लॉन्ग क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर है. ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड. एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन अवर लाइफ. हाउ इज वाटर हेल्पफुल फॉर अस. ये हेडिंग है वाटर की. आपको ये पूरा पैराग्राफ लॉन्ग क्वेश्चन के सेकंड आंसर में करना है. ओके, वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस लेके फूड वायर कुकिंग तक. ओके, ये आपका पूरा आंसर है लॉन्ग का. आज की वीडियो में इतना ही बच्चों. नेक्स्ट चैप्टर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे. टिल देन बाय बाय.